वेलकम टू अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस। अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कुछ खास। क्या सीखने वाले हैं? तो चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं और सीखना शुरू करते हैं। आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेजल वर्ब्स। यदि आप इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेजल वर्ब्स। और यही नहीं, आप इनका प्रयोग बहुत ही आसानी से आप अंग्रेजी बोलने में कर सकते हैं, बिल्कुल 100%। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखना शुरू करते हैं। चारों तरफ घूमकर पता लगाना, लुक अराउंड या राउंड। आई लुक्ड अराउंड द क्राउडेड हॉल होपिंग टू फाइंड एन एम्प्टी सीट। मैंने खाली सीट ढूंढने की आशा में भीड़ वाले हॉल में घूमकर पता लगाया। चलिए अगला देखते हैं। कोई चीज़ जल्दी से पढ़ना या देखना, लुक थ्रो। माई टीचर लुक्ड थ्रो माई नोट्स बिफोर द एग्जामिनेशन। मेरे अध्यापक ने परीक्षा से पहले मेरे नोट्स को जल्दी से पढ़ा। तो चलिए बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अधिक अच्छा होना, लुक अप। बिजनेस इज लुकिंग अप डे बाई डे। बिजनेस दिन प्रतिदिन और अधिक अच्छा हो रहा है। किसी को देखने जाना, कॉल ऑन। शी कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे फॉर अबाउट एन आवर। वह कल मुझे लगभग एक घंटे के लिए देखने आए। किसी को देखने जाना, कॉल ऑन। शी कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे फॉर अबाउट एन आवर। वह कल मुझे लगभग एक घंटे के लिए देखने आए। किसी को जोर से डांटना, कॉल डाउन। दे रियली कॉल्ड मी डाउन फॉर डूइंग दैट। उन्होंने मुझे उसको करने के लिए वास्तव में जोर से डांटा। किसी को जोर से डांटना, कॉल डाउन। अभिवादन करना या विनती करना, कॉल आउट। इफ़ यू वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस शॉप जस्ट कॉल आउट टू मी। यदि आप किस दुकान से कुछ चाहिए तो मुझे अभिवादन करो। फोन करके बुलाना, कॉल अप। आई शैल कॉल यू अप If I need your help, यदि मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता होती है तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को नापसंद करना, शुरू करना, take against। Why have you suddenly taken against me? तुम अचानक मुझे नापसंद क्यों करने लगे? किसी व्यक्ति या वस्तु को नापसंद करना, take against। खेल में किसी को आसानी से हरा देना, टेक अ पार्ट। वी वर सिंपली टेकन अ पार्ट बाय द अपोजिशन। हम अपोजिशन से आसानी से हार गए। खेल में किसी को आसानी से हरा देना, टेक अ पार्ट। किसी सेंसेशन या फीलिंग के कारण को दूर करना, टेक अवे। द डॉक्टर हैज़ गिवन हिम अ फ्यू टैबलेट्स टू टेक अवे द पेन। डॉक्टर ने दर्द के कारण को दूर करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी। किसी को कोर्ट में उपस्थित करना, टेक बिफोर। शी वॉज हॉल्ड अप फॉर स्पीडिंग एंड टेकन बिफोर द कोर्ट। उसे तेजी से खींचते हुए लाया गया और कोर्ट के सामने पेश किया गया। किसी को कोर्ट में उपस्थित करना, टेक बिफोर। वापस लेना या स्वीकार करने के लिए सहमत होना, टेक बैक। वी ओनली टेक गुड्स बैक इफ कस्टमर्स कैन प्रोड्यूस द रिसिप्ट। हम सामान वापस तभी लेते हैं जब ग्राहक रिसिप्ट दिखाते हैं। बीमारी के बाद चलने फिरने में असमर्थ होना, गेट अबाउट। बीमारी के बाद चलने फिरने में समर्थ होना, ही इज गेटिंग अबाउट अगेन आफ्टर हिज इलनेस। वो अपनी बीमारी के बाद एक बार फिर चलने फिरने लायक हो रहा है। अपराध साबित होने के बाद किसी को पकड़ने की कोशिश करना, गेट आफ्टर। इट इज फॉर द पुलिस टू गेट आफ्टर द विलेंस एज फास्ट एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके पुलिस को गद्दारों को पकड़ने की कोशिश करना है। अपराध साबित होने के बाद किसी को पकड़ने की कोशिश करना, गेट आफ्टर।
छुट्टी का होना गेट अवे वी हैव नो चांस ऑफ गेटिंग अवे दिस समर हमारे पास इस गर्मी में छुट्टी लेने का मौका नहीं है छुट्टी का होना गेट अवे घर वापस लौटना गेट बैक व्हाट टाइम डिड यू गेट बैक लास्ट नाइट पिछली रात को तुम घर वापस कब आए घर वापस लौटना गेट बैक अच्छी तरह से तरक्की करना गेट अहेड या अहेड ऑफ बाय डूइंग जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा होमवर्क ईच डे शी सून गॉट वेल अहेड ऑफ हर क्लासमेट्स हर दिन थोड़ा और होमवर्क करके वह बहुत जल्दी अपने क्लासमेट में अच्छी तरह से सफल हो गई सौभाग्य से मिलना बैंग इंटू I banged into him after many a year. मैं बरसों बाद सौभाग्य से उससे मिला सौभाग्य से मिलना bang into. I banged into him after many a year. बरसों बाद सौभाग्य से मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद